नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस विषय पे होने वाली है। ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर आता है। मैंने देखा है ऐसा लोगों को कहते हुए कि मान लीजिए कि किसी भी पिता के एक से अधिक संतान हैं, एक से अधिक पुत्र हैं, तो उनका पिंडदान कौन करे। एक से अधिक बहू हैं तो सास का श्राद्ध कौन करे। ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है। और मैंने ये भी सुना है कि मान लीजिए किसी से पूछा जाता है कि पितृपक्ष में आप सारे नियम कर रहे हैं या नहीं, तो उनका ये भी जवाब होता है हमारे बड़े भाई हैं, वो सभी कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये सारी बातें क्लियर होंगी। और आप लोगों से ये निवेदन है, आप सभी लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोगों से निवेदन है कि पितृपक्ष के सभी नियमों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से नियमों को निभाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पितृदोष जो है वो आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। आप चाहे लाखों का उपाय कर लें, यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, आप अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन में कोई भी उपाय आपके कोई काम आने वाला नहीं है। तो इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा और समझिएगा। आइए, जो विषय है उसके बारे में मैं पूरी बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा देती हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, मान लीजिए कि किसी भी पिता के एक से अधिक पुत्र हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, और आपके पिता दिवंगत हो चुके हैं, आपकी माता दिवंगत हो चुकी हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये सत्य है कि शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि बड़े पुत्र को अपने पिता का पिंडदान करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन मान लीजिए आपके जो बड़े भाई हैं, उनके बड़े पुत्र हैं, वो पिंडदान कर रहे हैं और नियम को कर रहे हैं, लेकिन इससे आप सभी लोगों की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वो खत्म नहीं हो जाता है। आप सभी लोगों को अपने पिता के निमित्त तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए, पितृपक्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक। दान आपको प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या के समय पितरों के निमित्त दीपक आपको प्रतिदिन जलाना चाहिए। मान लीजिए चार पुत्र हैं, चार भाई हैं, अलग अलग रह रहे हैं, कहीं दूर रह रहे हैं, सभी लोग अलग अलग, तो ये कार्य सबको करना चाहिए। मान लीजिए एक साथ रह रहे हैं, एक पास रह रहे हैं, तो पिंडदान एक पुत्र जो बड़े पुत्र हैं वो तिथि के दिन पिंडदान करेंगे, और श्राद्ध जिस दिन होता है उस दिन सभी पुत्र मिलकर सहयोग करें उसमें, और सहयोग करके सभी लोग मिलकर श्राद्ध करें। और यदि आप लोग अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो उस तिथि पर आपको पिंडदान भले ही नहीं करना है, बड़े पुत्र कर रहे हैं, लेकिन आपको उस तिथि पर ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना है, अर्थात श्राद्ध अवश्य करना है, पितृ विसर्जन अवश्य करना है, और प्रतिदिन संध्या के समय अपने पितरों के निमित्त दीपक अवश्य जलाना है, और तर्पण तो मैंने बताया कि आपको करना ही करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली रहे, आपके जीवन में शांति रहे, आपके बच्चे सफल हों, आपके जीवन में आर्थिक संकट ना आए, तो आप इस सब बातों को जरूर मानिए और जरूर समझिए। अपने इन कर्तव्यों से पीछे मत हटिए, क्योंकि माता पिता के ऋण से तो वैसे भी मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप ये सारे कार्य अवश्य करेंगे। अब बात आती है कि सास का श्राद्ध कौन करे। इसी प्रकार जैसा कि मैंने पुत्र के विषय में बताया, एक से अधिक बहू हैं, अलग अलग हैं, मान लीजिए एक साथ एक घर में रह रही हैं, तब भी वो तर्पण सभी बहुएं करेंगी, और जिस दिन मातृनवमी है उस दिन मिलकर भोजन वगैरह सभी लोग मिलकर बनाती हैं और श्राद्ध करती हैं, तो सभी लोग एक साथ हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो सभी बहुएं तर्पण करेंगी प्रतिदिन अपने सास के निमित्त और मातृनवमी के दिन। जैसा कि मैंने अपने पितृपक्ष के सभी वीडियो में बताया है कि माता का श्राद्ध मातृनवमी के दिन होता है। आप लोग पितृपक्ष के सभी नियमों का पालन करेंगी, सिंदूर नहीं लगाएंगी, बालों को नहीं धुलेंगी, मातृनवमी के दिन बाल धुलेंगी, सिंदूर लगाएंगी, और उसी दिन अपने सास का बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ श्राद्ध करेंगी। किसी ब्राह्मणी को बुलाकर यदि भोजन आप कराती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दान निकालेंगी, वस्त्र दान, अन्न दान, श्रृंगार की सामग्री, और इस तरह से बहुत ही अच्छे से प्रेम पूर्वक आप अपने सास का श्राद्ध करेंगी। और संध्या के समय मातृनवमी समाप्त होने के बाद भी आप अमावस्या तक पितरों के निमित्त अपने घर के दक्षिण दिशा में सरसों तेल का एक दीपक जरूर जलाएंगी। तो ये सभी बहुओं के लिए और पुत्र के लिए मैंने ये बात बता दी। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा
कि एक पुत्र सभी कार्य कर रहे हैं तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है। सभी के ऊपर अपने माता पिता का ऋण उतना ही होता है जितना कि बड़े पुत्र पर, उतना ही छोटे पुत्र पर। आप सभी को अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना बहुत ही जरूरी है, तो ये सारे कार्य आप लोग अवश्य ही कीजिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं एक जरूरी, कि ये भी प्रश्न आता है कि क्या पितृपक्ष में आपने सारे नियम निभा लिए, पिंडदान आप कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दान निकाल रहे हैं, तो क्या आपको फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है? क्या आपके माता पिता मुक्त हो गए, आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, पितृदोष समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। आपको अपने जीवन काल में गया पिंडदान अवश्य करना है। गया पिंडदान मतलब जो कि अपने माता पिता का आखिरी पिंडदान होता है गया जी में जाकर, और इसका कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। आप यदि सोचिए कि मैं कोई पितृ के निमित्त पूजा करा लूं, या मैं कोई और उपाय कर लूं, या किसी पंडित जी ने बता दिया कि आप ये पितृ पूजा करा लीजिए, आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा, जब तक आप गया पिंडदान नहीं करते हैं तब तक आप पितृदोष से मुक्त नहीं हो पाएंगे, पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और ना ही आपके माता पिता को मुक्ति मिल पाएगी। ये बात आप लोग लिख के ले लीजिए, कभी भी इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। अपने जीवन काल में जब तक आपके शरीर में शक्ति है, इस बात का भी इंतजार मत कीजिएगा कि मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तब जाके अपने माता पिता का गया पिंडदान करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक आपके शरीर में शक्ति है, पितृपक्ष में गया में पिंडदान जाकर उस तिथि पर किया जाता है, आप लोग अंतिम पिंडदान अपने जीवन काल में जरूर कीजिएगा। यदि आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, और अपने जीवन में शांति और सुख खुशहाली चाहते हैं, तो गया पिंडदान करने के बाद आपको फिर पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती है पितृपक्ष में। आपको दान, तर्पण और श्राद्ध करना होता है, ये तो आपको जीवन भर जब तक आपका जीवन है तब तक आपको करना होता है, लेकिन जो आखिरी पिंडदान है वो गया पिंडदान आपको करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अपने माता पिता का पिंडदान इस तरह से करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन, सभी लोग इस बात को समझें, इसका महत्व जानें। मैं ये भी निवेदन करना चाहती हूँ, मैं अक्सर ये बात नहीं कहती हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ, कि इस वीडियो को अपने जानने वालों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, या फिर भ्रम में हैं, किसी ने उन्हें कह दिया कि एक लोग कर रहे हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के घर में सदा सुख संपन्नता और सौभाग्य समृद्धि बनी रहे, मेरा यही उद्देश्य है। कोई प्रश्न हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।